वेलकम टू माय चैनल प्रॉफिट एंड लॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है आपके सामने चोलमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस को लिमिटेड। इस शेयर का प्राइस 516 रुपये है। आपको याद होगा जब लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी 23 फरवरी को, तब भी उस समय भी इसका प्राइस इसी 516-17 रुपये के आसपास ही था। आपको यहाँ दिखाता हूँ 23 फरवरी, तो 23 फरवरी को यही 516-17 रुपये के आसपास प्राइस था। और उससे मैंने कहा था अगर कोई अभी इस शेयर को बाय करना चाहता है तो 500 रुपये के एसएल के साथ बाय करना। अगर किसी भी दिन ये शेयर 500 से नीचे अपने डे की क्लोजिंग देगा और उसी समय आपने अपना लॉस बुक करना है। पर अगर ये शेयर का जो टारगेट मैंने दिया था उस समय दिया था 550 प्लस का टारगेट दिया था, और आपको उसके देखो 504 से इसमें अच्छी खासी रिकवरी हुई। और 22 मार्च के आसपास आप देखोगे ये करीब 19 या 22 मार्च के आसपास ये 550 का अपना टारगेट जो मैंने दिया था उसे क्रॉस करके एक अच्छा खासा मतलब आपको रिटर्न दे के गया था, पर थोड़ा टाइम लगा था। फिर उसके बाद ये उसके बाद थोड़ी इसमें डाउन साइड में थोड़ी गिरावट हुई, तो आज की डेट में इसका प्राइस है आपके सामने है 516 रुपये। तो अभी के टाइम में आपके सामने 50 डे का सपोर्ट के आसपास घूम रहा है। तो इस कंडीशन में अगर ये शेयर अभी जो प्राइस है, अगर ये शेयर कल की डेट में अगर ये शेयर पॉजिटिव के अंदर रहता है, मतलब 518 या 20 के आसपास रहता है, 518 या 20 के आसपास रहता है 11 से 12 बजे के बीच में, तो उस कंडीशन में आपने अगर आप इस पर इंट्राडे भी करते हो या आपका शॉर्ट टर्म का भी आपका प्लान है तो 510 के एसएल के साथ, ये शॉर्ट टर्म का एसएल है, अगर आपका थोड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो 500 रुपये का स्ट्रॉन्ग एसएल है, इसके साथ आप आराम से 530 के आसपास के टारगेट के लिए आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए शेयर के। किसी भी शेयर में किसी भी तरह की इनकी इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज करो।